गुड मॉर्निंग। आज मैं निफ्टी का ट्रेंड एनालिसिस करूंगा, और उससे पहले मैं बताऊंगा कि कल जो हुआ, बहुत दिनों से मैं बोलता आ रहा हूं कि बाजार में जब तक 14,950 के ऊपर नहीं आएगा तब तक असली तेजी नहीं आएगी, और 955 का लेवल आपके सामने है। एक बार थर्सडे को अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन बाजार उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। और एस्ट्रोलॉजिकली ये जो वोलेटिलिटी है, डाउनसाइड का बॉटम बना है। कल एक तरीके से 25 मार्च का डबल बॉटम, उसके अगेंस्ट उसके उसी लेवल के आसपास डबल बॉटम बनाने की कोशिश किया है। ये बाजार अभी ट्रेंडिंग में नहीं है, ऐसा कतई नहीं मान लेना चाहिए कि डाउन ट्रेंडिंग में ये मार्केट चल रहा है। मार्केट में अभी भी जान बाकी है। ये रिवर्स, और हमारा व्यू था 21 जनवरी से लेकर के 6 अप्रैल तक का जोन था कि बॉटम बन जाएगा, और 25 मार्च के बॉटम के अगेंस्ट ये 12 अप्रैल का बॉटम है। ये पिछले 2 महीने के या आप 3 महीने के, आप जो मान ले, 2 महीना ही मानेंगे हम, के अगेंस्ट एक डाउन साइड के बॉटम को रीटेस्ट करने का एक, ये कल जो क्रैश था उसका इफेक्ट था। एक्चुअली मैंने 1 महीना पहले मार्च के वीडियो में बोला था, मैं ये नहीं बोलूँगा बार बार कि मैं बोला था, जो लोग रेगुलर देखते हैं उसको फॉलो करते हुए आ रहे होंगे, कि 50 दिन के मूविंग एवरेज को 2 बार हम तोड़ चुके, और तीसरी बार तोड़ेंगे तो 100 डीमा पे सपोर्ट लेंगे। 100 डीमा 14,265, 25 मार्च को ये लेवल बहुत ही नीचे था, 13,900, 13,000 के आसपास था, लेकिन बाजार ने बॉटम कहाँ बनाया, 270 के आसपास बॉटम बनाया था 25 मार्च को, और कल इस लेवल को टच किया, और यहाँ से आवर्ली चार्ट पे बाउंस बैक आया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तेजी आ जाएगी, तेजी आने के लिए अभी भी वही लेवल है 14,955। 14,955 के ऊपर जब तक नहीं आता है तो इसलिए बियर्स को ज़्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है, और बुल को संभल के चलने की जरूरत है। दोनों तरीके से अभी ये जो साल है, बुध का साल है, मरकरी का साल है, और मरकरी बुध जो है वोलेटाइल के नाम पे होता है, वोलेटिलिटी होता है। जहाँ से आपको तेजी दिखेगी वहीं से मंदी हो जाएगी टेक्निकली, और जहाँ से आपको मंदी दिखेगी वहीं से तेजी हो जाएगी। इस बाजार का यही लक्षण है, 2021 इसी के लिए जाना जाएगा। आज ऊपर जाएगा नहीं जाएगा उसके लिए लेवल एनालिसिस कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर ही जाएगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे ही जाएगा, लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे ही कल वीकली सेल लेवल 14,700 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया, मार्केट ने नीचे के लेवल को टच किया, T5 259 जो कल का लो के आसपास बॉटम बना, वहाँ से रिवर्स किया। अब इम्पोर्टेंट अपसाइड का ब्रेकआउट लेवल 14,400, 14,400 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं आती है तब तक कोई बहुत बड़ा रिवर्सल का ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानना चाहिए। ब्रेकआउट लेवल जो है 14,500 का लेवल है। 14,500 का लेवल अगर अच्छे तरीके से पार कर जाता है तो ये मान लेना चाहिए कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है। बुल के लिए तेजी 15,000, 14,955 जो बहुत पहले से बोला हुआ है उस लेवल पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। उसके ऊपर और भी तेजी देखी जाएगी। नीचे का जो सपोर्ट है, कल का लो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। कल का लो ब्रीच हो जाती है, नीचे आ जाता है, तो और भी बड़ी सेलिंग देखी जा सकती है। और इस वीक का जो फाइनल टारगेट है 13,900, ट्रेंड डाउन हो चुका है, ट्रेंड डाउन हो चुका है, लेकिन ये साल टेक्निकली जहां आपको फुल बेरिश दिखेगा वहीं से रिवर्स कर जाएगा,
और जहां से फुल बुलिश दिखेगा वहां से रिवर्स हो जाएगा ये साल उसी के नाम पे। अगर हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो लगभग कल प्राइस में 4% का चेंजेज हुआ और उसके मार पर कम से कम 1 लाख ओपन इंटरेस्ट घटे हैं फ्यूचर में। वॉल्यूम में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है। ओपन इंटरेस्ट जो है 1% मीन्स कि करीब 1 लाख शेयर घटे हैं और टोटल ओपन इंटरेस्ट लगभग 11 लाख के आसपास है, 11 लाख सॉरी 1 करोड़ 12 लाख के आसपास है, 1 करोड़ 12 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट, बहुत ह्यूज ओपन इंटरेस्ट ऐड है। ये ओपन इंटरेस्ट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ही शॉर्ट साइड में डेवलप हो चुका था, फिर भी लेवल है। और अगर हम बात करें RSI 40 के आसपास आ गया है और इंट्राडे रिवर्सल के लिए अगर मैं लेवल की बात करूं तो 14400 और ऊपर में रेजिस्टेंस मिलेगा 14560, 14800, 14963। और एज फॉर गैन एंगल एनालिसिस ऊपर में 14465 के ऊपर चलता है तो एक अच्छा खासा पुल बैक रैली 14520 और उसके ऊपर भी जाने के पूरे पूरे आसार हो जाएंगे। और नीचे जो सपोर्ट है 14340 अगर ऊपर गैप अप खुलता है तो 14340 जो उसके नीचे ही है पाइवट के बेसिस पे, उसके जब 14340 होल्ड हो जाता है तो एक अच्छा खासा रिवर्सल अपसाइड के देखे जा सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।